वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जहां एक तरफ पाकिस्तान के दीगर शोबों की बहाली के लिए इकदाम करते नज़र आ रहे हैं, वहीं उन्होंने मुतलका वजारतों को फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिशें तेज़ करने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक खसूसी इजलास की सदारत करते हुए कोरोना वायरस की वबा के बायस बंद होने वाले सिनेमाघरों और फिल्म इंडस्ट्री की फौरी बहाली समेत मुल्क भर के सिनेमाघर खोलने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया। इजलास में वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस के जोर टूटने के बाद बतरीज सिनेमा घर खोलने और कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताहम वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान मुतलका वजारतों को फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए रोशन रोड मैप तैयार करने की हदायत की और कहा कि आला मियार का मुकामी मवाद तैयार करके पाकिस्तान की फिल्मी सनत को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग देने के बयान की तस्दीक करते हुए चेयरमैन CPAC अथॉरिटी और वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए इत्तलाआत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहाल और मुतरक करने के मिशन पर गामजन हो गए हैं। मावन खसूसी बराए इत्तलाआत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की ट्वीट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मेज़बान और अदाकार फहद मुस्तफ़ा का अपने जारी ट्वीट में कहना था कि सर आपके साथ काम करने के मुंतजर हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से कई महीनों से बंद सिनेमाघर और प्रोडक्शन हाउसेज शदीद जबोहाली का शिकार हैं, जिसके बाद अब हुकूमत ने इसको दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है।